जय जोहार। आज हमारा डे टू स्टार्ट हो रहा है। आज हम गंगटोक जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे की प्लानिंग होगी लाचुंग या जीरो पॉइंट पे। कल बहुत ही ज़्यादा थकावट होने के कारण फिर आने का वीडियो नहीं हुआ। कल दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग गए, दार्जिलिंग के पॉइंट्स देखे और उसके बाद में आज हम लोग जाएंगे अभी गंगटोक। यहाँ से बाय बस गंगटोक, गंगटोक में जा कर के फिर क्या वहाँ पर जो भी पॉइंट्स है उसके उसको विजिट करेंगे। हमारा रूम है गंगटोक में, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रूम है और यहाँ से हाय हाय क्या व्यूज है सामने की तरफ का, अद्भुत अल्टीमेटली। ये जैसे ही आगे वैलीज है, सामने की तरफ बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ों का एक ब्यूटीफुल व्यू नजर आएगा। बाकी सामान रखने का एरिया है, बस ये व्यू जोरदार है, बाकी तो ठीक है। ऐसे अच्छा यूं नहीं समझा, वो सीनरी लेनी है के अभी फ़िलहाल बारिश में ये ज़्यादा बहता है, क्योंकि अभी बारिश नहीं है इसलिए थोड़ा सा छोटा सा ही, लेकिन बह रहा अच्छा है, थोड़ा ब्यूटीफुल। इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर जीप लाइन है, उधर भी जा रहे हैं और उसके बाद मोनेस्ट्री, जब मोनेस्ट्री पॉइंट पे आपका स्वागत है गंगटोक की पुंचम मॉनेस्ट्री पे। ये मेरे पीछे आप दरवाजा देख सकते हो, तो आगे जाके देखते हैं मॉनेस्ट्री कैसी है, क्या है वहाँ। सीन है भाई लोगों, मॉनेस्ट्री का मेन जो यह मॉनेस्ट्री से गंगटोक शहर का जो सिटी का व्यू है वो कुछ इस तरह का है। अच्छा व्यू है, बाकी मॉनेस्ट्री यहाँ से ऐसा दिखता है। प्लांट कंजर्वेटरी पॉइंट गंगटोक, आगे क्या प्लांट का क्या कंजर्वेशन है वो हम लोग देखते हैं। अलग अलग प्रकार के प्लांट है। बाजार है, हम थोड़ा सा इस बाज़ार को घूमने के लिए आए हैं।
सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, यहाँ पर सिक्किम का पब्लिक कमीशन का भी है, गांधी जी की मूर्ति देख सकते हैं और थोड़ा सा बिल्डिंगें वगैरह हैं। ऊपर इस तरफ हाई कोर्ट है सिक्किम का और बाकी कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। ठीक ठाक मार्केट है, अच्छा है, व्यवस्था है बहुत अच्छी है। इधर से महात्मा गांधी का स्टैचू है और साथ में ये मार्केट में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इधर साइड में बैठने की जगह है, जिससे जो भी और इतना रश नहीं है। ठीक है, पूरा मार्केट अच्छा लग रहा है कुल मिला करके, व्यवस्थित मार्केट। हेलो, कैप वगैरह छोट टोपे बड़ा ही खूबसूरत मार्केट है भाई ये गंगटोक का, बहुत ही बेहतरीन सब सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये सबसे क्लीन सिटी है, या ये कह सकते यहाँ पर एक जरा भी कचरा नहीं है, बहुत ही क्लीन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यानी मैं तो जितने भी मार्केट में गया ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मार्केट लगा। हो गया है अब, ये शाम का इवनिंग मार्केट है इसलिए जब हम आए थे तब तक इतना भीड़ नहीं था, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ गया है और मार्केट भी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था क्लीन है एकदम, आई लव गंगटोक लिखा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं।